दोस्तों, क्या होगा जब टाइम हमारी करेंसी बन जाएगा और कागज के पैसे विलुप्त हो जाएंगे? यह कहानी भविष्य की है, या अमीरों के पास लाखों वर्षों का टाइम है जिससे वो अमर रहते हैं, जबकि गरीब प्रतिदिन संघर्ष करके अपने जीवन में कुछ और दिन जोड़ते हैं। इस दुनिया में जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके पास जीने के लिए 26 साल होते हैं और 25 के बाद उनकी उम्र बढ़ना बंद हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कोई बूढ़ा नहीं होता है। लोगों को कड़ी मेहनत करके समय कमाना पड़ता है। यहाँ पर हर किसी व्यक्ति के रिस्ट पर टाइमर सेट होता है जो ये दिखाता है कि उनके पास कितने दिनों का टाइम है। अमीर और गरीब लोगों के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। पावरफुल लोग जब चाहे तब सामान की कीमत बढ़ा देते हैं ताकि गरीबों से अधिक समय प्राप्त कर सके। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि इस मूवी का नायक विल, जो एक छोटे से घर में अपनी 50 साल की माँ के साथ रह रहा है, जिसके पास केवल 3 दिनों का टाइम बचा है। विल खुद के पास केवल 24 घंटे हैं, यानी अगर अगले 24 घंटों में विल और अधिक टाइम नहीं कमाएगा तो वे मर जाएगा। विल की माँ रेचल अगले 2 दिनों तक तो लगातार काम करेगी ताकि वो अपना लोन चुका सके, और इस कारण जब वो लौटेगी तो उसके पास शायद ही कुछ टाइम बचेगा। तो वे ये चाहती है कि विल बस स्टेशन पर खड़ा रहे। विल एक छोटी लड़की माया से मिलता है जो उससे 1 मिनट दान में मांगती है। फिल 1 मिनट के बदले उसे 5 मिनट दे देता है। वो फैक्ट्री में काम करता है जो टाइम को स्टोर करने वाला उपकरण बनाती है। पूरे दिन की मेहनत के बाद उसे रोज से कम पैसे मिलते हैं। जब वो डिस्ट्रीब्यूटर को इसके बारे में पूछता है तो डिस्ट्रीब्यूटर उसे कहता है, अमीरों ने काम के कोटे को बढ़ा दिया है, अब आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि विल एक बार में जाता है और वहाँ अपने शराबी दोस्त बोरल से मिलता है। बोरल उसे कहता है वो जितनी चाहे उतनी ड्रिंक्स ले सकता है, क्योंकि हेनरी नाम का एक अमीर व्यक्ति सबके लिए ड्रिंक्स खरीद रहा है। उसके पास 100 से ज्यादा साल का टाइम है। फिल सोचता है कि हेनरी जैसा अमीर व्यक्ति यहाँ क्यों आया है, और ये भी देखता है कि एक क्रिमिनल लगातार हेनरी की ओर नजर डाल रहा है। विल हेनरी को अलर्ट करने के लिए जाता है, लेकिन वो जाने के लिए मना कर देता है। कुछ समय बाद मिनटमैन नाम का गैंगस्टर ग्रुप वहाँ आ जाता है। विल को पता चल जाता है कि ये हेनरी को लूटने के लिए यहाँ आए हैं। सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन विल थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुकता है। इस ग्रुप का लीडर फोर्टिस अपने एक साथी को हेनरी पर बाथरूम में अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन विल पहले ही उस आदमी को बेहोश करके हेनरी को निकाल ले जाता है। इसके बाद वो हेनरी के साथ भाग जाता है। इस बीच हेनरी को कुछ भी पता नहीं क्या हो रहा है। मिनटमैन कुछ देर तक पीछा करती है, लेकिन उन दोनों के न मिलने पर वे वहां से चले जाते हैं। इस बीच हेनरी और विल एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं। वहां हेनरी उसे बताता है कि उसकी उम्र 105 साल है। इतने लंबे समय तक जीने के बाद अब उसके जीने की चाहत खत्म हो चुकी है। विल इसे देखकर अचंभित हो गया कि जिसके लिए वो रोज संघर्ष करता है वो हेनरी के पास होते हुए भी वो उसे नहीं चाहता। हेनरी उसे बताता है कि इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त समय है, लेकिन अमीर और पावरफुल लोग इसे अपने लिए रख लेते हैं। विल को इस पर गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। अगली सुबह जब हेनरी नींद से जागता है तो विल सो रहा होता है। वो सारा टाइम उसे डोनेट कर देता है और अपने लिए केवल 5 मिनट रखता है। कुछ समय बाद जब विल उठता है तो वो अपनी रिस्ट पर 100 साल जितना टाइम देखकर शॉक हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि हेनरी पास ही के एक पुल पर बैठा है। जैसे ही हेनरी का समय समाप्त होता है वो मुस्कुराता हुआ नदी में गिर जाता है। उसके बाद विल बोरल से मिलता है और उसे इस घटना के बारे में सब कुछ बताता है। वो इसमें से कुछ टाइम बोरल को दे देता है ताकि उसे भी अपनी जिंदगी में ज्यादा संघर्ष ना करना पड़े। विल अमीरों और गरीबों के बीच इतने बड़े टाइम गैप को खत्म करना चाहता है ताकि सारे लोग बराबर रहे। रेचल ने 2 दिनों तक लगातार काम करके अपना लोन चुका दिया। उसके बाद वे बस स्टॉप की ओर चली गई। वहाँ उसे पता चला कि उसके पास बस किराए के लिए पर्याप्त टाइम नहीं है। तब वे घर की ओर दौड़ने लगती है ताकि विल से टाइम खत्म होने से पहले मिल सके। हालांकि जब वे दोनों मिलते हैं तो रेचल विल की बाहों में मर जाती है। वे जोर से रोता और चिल्लाता है। अगले दिन शहर की पुलिस, जिसे टाइम कीपर्स के नाम से जाना जाता है, हेनरी की बॉडी की तलाश करती है। जब वे देखते हैं कि उसके पास अपना टाइम नहीं है तो उन्हें लगता है कि हेनरी को किसी ने लूट लिया। सीनियर टाइम कीपर का नाम रेमंड है, जबकि जूनियर का नाम येगर है। ये दोनों इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इस बीच विल ने अपने लिए एक शानदार कार और महंगे कपड़े खरीद लिए। फिर वे टाइम जोन बॉर्डर को क्रॉस करके एक शहर न्यू ग्रीनिच की ओर निकल पड़ता है। वे इस जगह की सुंदरता को देखकर चौंक जाता है। जब विल के पास कम समय था तब वे हर जगह दौड़ कर जाता था। यहाँ पर भी वे ऐसा ही करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि उसके आसपास के लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। रात को वे एक शानदार होटल में ठहरता है और सुबह उठकर नाश्ता करता है। भोजन के पैसे चुकाने के बाद उसने वेट्रेस को 1 सप्ताह की टिप दी, और वेट्रेस उसे कहती है कि वो सारे काम दूसरे कस्टमर की तुलना में जल्दी जल्दी कर रहा है।
इसी बीच टाइम कीपर्स ने हेनरी और विल को फुटेज में एक साथ देखा और ये देखने के बाद रेमंड को पता चलता है कि वो विल के पिता को जानता है। उधर न्यू ग्रीनिच में विल लाइफ में पहली बार कसिनो में जाता है। वहाँ एक बिलियनर होता है जिसका नाम फिलिपे वेस है। वे और विल एक दूसरे के साथ पोकर खेलते हैं। विल पहले कुछ राउंड्स तो जीत जाता है लेकिन फिलिपे के पास अब भी लाखों सालों का टाइम बचा हुआ है। विल जीतता चला जाता है और उसके पास 200 साल जितना टाइम हो जाता है। इस बीच फिलिपे अमीरों और गरीबों के बारे में बात करता है और कहता है कि उनके बीच का गैप प्राकृतिक है। विल इस बात से एंग्री होकर अपना पूरा टाइम दांव पर लगा देता है और केवल 30 सेकंड्स अपने पास रखता है। टेबल पर सारे लोग अपनी सांसें रोक लेते हैं और अचंभित रह जाते हैं जब विल जी जाता है। इस प्रकार उसके पास 1000 सालों का टाइम हो जाता है। फिलिपे इस बात से इम्प्रेस हो जाता है और वो ये देखता है कि विल बार बार उसकी बेटी सिल्विया को देख रहा है। वह सिल्विया को विल से मिलवाता है और विल को अपने घर में होने वाले पार्टी में भी इन्वाइट करता है। विल एक नई कार खरीदता है और फिलिपे के बंगलों की ओर चला जाता है। वे यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता इसलिए वो इधर उधर घूमता है। इसी बीच सिल्विया वहाँ पर आ जाती है और उससे बातचीत करने लगती है। वे दोनों डांस करते हुए अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। सिल्विया कहती है कि उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसके पास कोई गोल्स नहीं है। वे दोनों पार्टी को छोड़ देते हैं और बार बीच पर चले जाते हैं। कुछ समय के लिए तैरने के बाद वे वापस बंगलों में चले आते हैं लेकिन वहाँ पर आगे ही टाइम कीपर्स विल का इंतजार कर रहे हैं। ऑफिसर रेमंड विल को एक प्राइवेट कमरे में ले जाते हैं जहाँ विल उन्हें बताता है कि कैसे उसने 1000 सालों का टाइम कमाया है। लेकिन रेमंड को उसकी इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। वह विल के सारे टाइम को टाइम स्टोर डिवाइस में ले लेता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। लेकिन विल टाइम कीपर्स पर अटैक कर देता है और सिल्विया को होस्टेज बना लेता है। दोनों कार के अंदर बैठकर भाग जाते हैं जबकि टाइम कीपर्स उनका पीछा करते हैं। अंत में वे दोनों एक ब्रिज के नीचे छुप जाते हैं। जब सुबह होती है तो दोनों हाईवे पर चले जाते हैं लेकिन इसी बीच उनकी कार क्रेश हो जाती है। फिर वहाँ मिनटमैन ग्रुप पहुंच जाता है। फोर्टिस सिल्विया के टाइम को चुरा लेता है और सिल्विया के लिए केवल 30 मिनट रखता है। जब वे दोनों जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सिल्विया के पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। विल अपने टाइम में से कुछ टाइम सिल्विया को दे देता है। आगे विल अपने दोस्त बोरल के पास कुछ टाइम मांगने के लिए जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ज्यादा शराब पीने की वजह से उसका दोस्त बोरल मर गया। उसके बाद दोनों एक मोरे की दुकान में जाते हैं। वहाँ वे सिल्विया की इयररिंग्स बेचकर 2 दिनों का टाइम ले लेते हैं। उसके बाद वे फोन पर रेमंड से बात करता है और ये कहता है कि उसे सिल्विया के बदले इस शहर में हर किसी के बीच 1000 साल वितरित करने होंगे। रात को वे दोनों विल के अपार्टमेंट में ठहरते हैं। विल उसे अपनी माँ और अपने पिता के बारे में बताता है। उसके पिता जुआ खेलते थे और जीते हुए टाइम को लोगों के बीच बांट देते थे। अब तक वे दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ गए थे। अगली सुबह वे देखते हैं कि फिलिपे ने उनकी डील को नहीं माना। सिल्विया हमेशा से जानती थी कि उसके पिता एक क्रूर व्यक्ति हैं। फिलिपे ने भले ही उस डील को नहीं रखा लेकिन विल ने सिल्विया को जाने देने का फैसला कर लिया। वे उसे एक टेलीफोन बूथ के पास लाया और एक गन उसे गिफ्ट में दे दी। वे आपस में किस करते हैं। सिल्विया फोन पर अपने पिता से बात करती है और विल दूसरी तरफ बैठा होता है। अचानक सिल्विया रेमंड को देखती है जो विल की ओर आ रहा है। उसे बचाने के लिए सिल्विया ने टाइम कीपर को गोली मार दी। भागने से पहले विल रेमंड की लाइफ बचाने के लिए उसे अपना कुछ टाइम दे देता है। वे दोनों रेमंड की पुलिस कार में बैठ जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ये न्यूज टेलीविजन पर हर जगह प्रसारित होने लगती है कि सिल्विया ने विल को क्यों बचाया जबकि वे तो उसे किडनैप करके ले गया था। सिल्विया कहती है कि वे दोबारा अपनी बोरिंग लाइफ में नहीं जाना चाहती। इस बीच फिलिपे रेमंड के साथ अपनी ऑफिस में बैठा है। वे जानते हैं कि अगर इतना टाइम उन लोगों को दे देंगे तो अमीरों के पास टाइम की कमी आ जाएगी और गरीबों को और अधिक टाइम की जरूरत नहीं होगी। फिलिपे कहता है कि वे किसी भी कीमत पर इतना टाइम नहीं देगा। इसी बीच विल और सिल्विया निर्णय लेते हैं कि वे लोगों को टाइम देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे दोनों टाइम लोन देने वाली बैंक को लूट लेते हैं और सभी को टाइम स्टोर डिवाइस बांट देते हैं। इसी बीच उधर फोर्टिस विल और सिल्विया की एक तस्वीर देखता है जिसमें यह बताया गया कि अगर कोई भी सिल्विया और विल को पकड़ेगा उसे 10 साल का इनाम मिलेगा। रात में वे दोनों एक होटल में ठहरते हैं लेकिन वहाँ टाइम कीपर्स आ जाते हैं। वे दोनों खिड़की से निकलकर भाग जाते हैं जबकि रेमंड उनका पीछा करता है। इसी बीच फोर्टिस को पता चल जाता है कि वे दोनों कहाँ रह रहे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए जाता है। वे उन दोनों को पकड़ लेता है। फोर्टिस विल को एक चांस देता है और उसे स्ट्रॉन्ग आर्म मैच खेलने को कहता है। पहले तो ये लगता है कि फोर्टिस इस मैच को जीत जाएगा लेकिन विल अंतिम समय में गेम को बदल देता है। उसके बाद वे उसके ग्रुप के बाकी बचे लोगों को मार देता है। वे फोर्टिस का सारा टाइम कोर ले लेता है और इससे फोर्टिस भी मर जाता है।
उसके बाद विल और सिल्विया छत पर चले जाते हैं और वहां से देखते हैं कि सामान की कीमतें बढ़ गई है। उन्हें पता चलता है कि यह सब उनकी चोरी की वजह से हो रहा है। अमीरों ने सामान की कीमतें बढ़ा दी है ताकि अमीर और गरीब के बीच का गैप बना रहे। उन्हें एहसास हुआ कि छोटी चोरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले दिन फिलिपे अपने बॉडीगार्ड के साथ कहीं पर जा रहा होता है। सिल्विया वहां पर अचानक से आ जाती है। विल इसका फायदा उठाकर फिलिपे को होस्टेज बना लेता है। वे दोनों उसे उसकी ऑफिस में ले जाते हैं जहाँ लाखों वर्षों का टाइम स्टोर किया हुआ है। फिलिपे अब भी गरीबों पर ताने कस रहा था। विल लगभग उसे गोली मार ही देता है। वे उसे कहता है कि अमर होना केवल तुम्हारे अकेले के भाग्य में नहीं है। वे दोनों टाइम स्टोर डिवाइस को लेकर वहां से भाग जाते हैं। टाइम कीपर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वे दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। फिर वे शहर में पहुंचते हैं लेकिन रेमंड अब भी उनका पीछा करता है। वे माया को टाइम स्टोर डिवाइस दे देता है और कहता है कि सब लोग टाइम को आपस में बांट लें। वे दोनों फिर से कार में बैठ जाते हैं और पीछा करना अब भी जारी रहता है। उनकी कार सड़क के बीच क्रैश हो जाती है। इसी बीच रेमंड वहां पर आ जाता है। वे उन दोनों को पकड़ लेता है। अरेस्ट करने से पहले रेमंड उन्हें कहता है कि वे भी पहले गरीब था लेकिन उसने अपने तरीके से अमीरों के साथ अपनी जगह बनाई और उसे लगता है कि अमीरों और गरीबों के बीच ये गैप बने रहना जरूरी है ताकि समाज आसानी से चल सके। इसी बीच रेमंड देखता है कि उनका सारा समय खत्म हो गया। वो एक झटके से मर जाता है। वे दोनों रेमंड की कार की तरफ दौड़ते हैं और वहां से अपने लिए एक दिन का टाइम ले लेते हैं। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि लोग टाइम जोन बॉर्डर्स को क्रॉस करके न्यू ग्रीनिच की ओर जा रहे हैं। सिल्विया और विल अपनी नेक्स्ट चोरी के लिए एक बैंक के सामने खड़े दिखाई देते हैं और इस तरह इस कहानी की समाप्ति हो जाती है।